रूस का मून मिशन जहां एक और फेल हो गया है, वहीं भारत का चंद्रयान चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। जी हां, अब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के समय में बदलाव कर दिया है। जी हाँ, ये मून लैंडर पहले चांद पर शाम को 5:47 पर उतरने वाला था, लेकिन अब इसरो ने इसके समय में चेंज करते हुए इसे 23 अगस्त को 17 देरी से यानी कि शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतारा जाएगा। इसी बीच वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि आने वाले कुछ क्षण इस मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसे लास्ट मिनट ऑफ टेरर बताया गया है। ये वो समय है जब चंद्रयान 3 ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंच गया है। चांद पर उतरने वाले आखिरी 15 बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसरो के लिए इस मिशन का ये बेहद ही कठिन समय होगा। इसरो के प्रमुख चांद पर उतरने की प्रक्रिया की 15 की अवधि को आतंक के 15 कह चुके हैं, क्योंकि जब लैंडर को अपने इंजनों को सही समय और सही ऊंचाई पर फायर करना होता है, सही मात्रा में ईंधन का उपयोग करना होता है, चंद्रमा का सटीक स्कैन करना होता है, चांद की सतह की पहाड़ियां और गड्ढे का सही अनुमान लगाना पड़ता है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया लैंडर अपने आप से करता है। वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया में कोई खास कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि इसरो के वैज्ञानिक पृथ्वी से लैंडर का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां पर एक छोटी सी भी अगर गलती होती है तो पूरे मिशन को ये गलती खराब कर सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 इन्हीं आखिरी 15 में क्रैश हो गया था, यानी कि उतरने वाले 15 चंद्रयान 3 के लिए भी काफी खास साबित होने वाले हैं, और इन्हीं पलों को लास्ट मिनट ऑफ टेरर कहा जाता है। फिलहाल इन सबके बीच चंद्रयान 3 ने पिछले कई दिनों में चुनौतीपूर्ण स्थितियों को पार करते हुए चांद के नजदीक पहुंचने में काफी सफलता पाई है, और पूरी उम्मीद है हमें और हम सभी देशवासियों को कि जल्द से जल्द गौरवपूर्ण पल जो है वो सामने जरूर आएगा जब ये चांद की सतह पर लैंड करेगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ लूना 25 और चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।